ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ। मुसीबत दे विच फसन तो बाद जब इस ग्रंथी सिंह ने सच्चे दिलों गुरु साहब ते अगे कीती अरदास ते देखो फिर गुरु साहब ने खुद कीती सिंह दी मदद। इस चमत्कार नु वेख के लोग भी हो गए हैरान ते उच्ची उच्ची लगाउण लगे वाहेगुरु दे जयकारे। सत श्री अकाल, मैं नेहा थोड़े सब दा नराय पंजाबी टीवी ते स्वागत करदी हां। लगातार चमत्कारा बारे असी सुनते हाँ, पर साड़ी अपनी मन की श्रद्धा है, साड़ी सोच है कि असी इस दे उत्ते यकीन करते हैं या फिर नहीं। जेकर दुनिया दे विच अजिहे लोग है जो कि चमत्कारा ते यकीन करते हैं, तो कई लोग अजिहे भी है जो कि चमत्कार ते बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। पर अज तुहानू एक ऐसी सच्ची घटना दसन जा रहे हैं जो कि एक ग्रंथी सिंह दे नाल वापरी है। ग्रंथी सिंह जिसने कि एक विआह दे समागम दे विच जाके अरदास करनी सी, वह ग्रंथी सिंह नू एक शख्स जबरदस्ती अपने घर लै गया। उस ग्रंथी सिंह नू उस वेले काफ़ी ज़्यादा डर महसूस होने लग गया कि जेकर मैं विआह दे समागम दे विच टाइम ते ना पहुँचया तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी, तो नाल ही कुड़ी दे मापियां दी भी काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी बदनामी हो सकती है, लोग उन्हां नू माड़ा चंगा जरूर बोलणगे। असल दे विच होया कुछ अजिहा सी कि पिंड दे विच एक गरीब परिवार की धी का विआह सी। विआह होने दे विच सिर्फ कुछ समा बाकी सी, ते सिर्फ 15 या फिर 20 मिनट के अंदर बरात पहुँचने वाली सी। ग्रंथी सिंह जिसने कि उत्थे अरदास करनी सी, असल दे विच एक शख्स ने एक पिंड दे विच अपना नवा घर बनाया सी, जिस कारण उस शख्स भी अपने घर दे विच जिहड़ा है अरदास करवाना चाहुंदा सी। इस दे लई ओ ग्रंथी सिंह नूं लैण उसके घर पहुँच गया, पर ग्रंथी सिंह दे कोल जदे व्यक्ति पहुँचिया तो ग्रंथी सिंह ने उसनूं मना कर दिता कि मैं अज एक विआह दे समागम दे विच जाना है, मैं उत्थे जाके अरदास करनी है, इसलिए मैं तेरे नाल नहीं जा सकता। पर उस शख्स के वलों बहुत ज़्यादा जोर पाया गया ग्रंथी सिंह के उत्ते कि तुसी ही मेरे नाल जाओगे तो मेरे घर जाके अरदास करोगे, नहीं तो असी अपने घर के विच किसी के भी कोलों अरदास नहीं करवावांगे। ग्रंथी सिंह के काफ़ी ज़्यादा मना करन के बावजूद भी जदों व्यक्ति ना मन्निया तो ग्रंथी सिंह ने सोचा कि चल मैं तेरे नाल चला जावांगा, पर तेरी एक शर्त मैं तेरे अगे रखदा है कि तू मैनू वापस छड़ के जाएगा, वह भी 10 मिनट के अंदर। तो ग्रंथी सिंह उस शख्स के नाल उसके घर चला जाता है, तो वह शख्स अपने घर के विच जब पहुँचता है तो ग्रंथी सिंह अपने मोटरसाइकिल तो उतार के कहता है कि तुसी 2 मिनट इत्थे खड़े होवो, मैं समान इकट्ठा करके लियाना है। पर उस शख्स नू काफ़ी टाइम हो जाता है समान इकट्ठा करन दे विच, क्योंकि उन्होंने दुकान पर जाके मिठाई भी लैके आनी होंदी है। परिवार के कोल जाके ग्रंथी सिंह कहते हैं कि जल्दी अरदास करा लो क्योंकि मैं दूसरी जगह पर भी जाना है, विआह का समागम है, उत्थे जाके मैं अरदास करनी है। तो जेकर ग्रंथी सिंह जो कि वो हैड सी जो उही नहीं होगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी जिहड़ी है विआह के समागम के विच होएगी, तो पिंड वासी उसनू काफ़ी मंदा चंगा बोलणगे। पर लगातार 15 तो 20 मिनट इंतजार करन दे बावजूद भी जिहड़ा ग्रंथी सिंह सीगा उसदे कोल कोई परिवारिक मैंबर ना आया, उसदे कोलों अरदास ना कराई, जिस कारण वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि गुरु साहब हुण तुसी मेरी मदद करो, क्योंकि जेकर मैं समय से विआह ते ना पहुँचिया तो काफ़ी ज़्यादा उत्थे बदनामी वाली गल हो सकती है। फिर जिस तो बाद ग्रंथी सिंह दे वल्लों जद अरदास की गई तो उस तो बाद उसने वेख्या कि जिहड़ी बरात ने विआह दे समागम दे विच जाना सीगा, वह बरात उसदे पिंड दे कोलों निकली है, तो सिर्फ 5 मिनट के पहुंचने वाली सी विआह के समागम के, जिस तो बाद वो होर ज़्यादा परेशान हो गया तो गुरु साहब के अगे अरदास करन लग गया। उस ग्रंथी सिंह की अरदास ने सचमुच असर दिखाया। असल दे विच जदों ग्रंथी सिंह ने उस घर दे विच अरदास की, उस तो बाद उस शख्स ग्रंथी सिंह नू छड्डन लई विआह दे समागम दे विच गया, तो ग्रंथी सिंह ने उत्थे जाके वेख्या कि इत्थे तां हले बरात पहुंची नहीं है। फिर उस तो बाद जब उस ग्रंथी सिंह ने लड़की के पिता को जाके पुछया कि की होया बरात हले तक क्यों नहीं पहुंची, उते मेरे सामने निकली सी, तो ग्रंथी सिंह ने दस्या ते ग्रंथी सिंह उस लड़की के पिता ने दसिया कि असल दे विच सड़क बन रही है, जिस कारण दूसरी साइड तो बरात आ रही सी, पर उस साइड जिहड़ी सीगी वो कच्चा रस्ता होने कारण जिहड़ियां गड्डियां दे टायर सीगे वह उस मिट्टी दे विच दब गए, जिसनों कढ़ना हुण काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो बरात नूं आउण दे विच काफ़ी ज़्यादा समा लग सकता है। जे कहीए तो यह चमत्कार ही होया है, क्योंकि ग्रंथी सिंह ने सच्चे मनों रब दे अगे अरदास की, गुरु साहब नूं कहा कि उसकी मदद करो, तो गुरु साहब ने खुद उसकी मदद की। ग्रंथी सिंह दे वल्लों कहा जा रहा है कि 15 तो 20 मिनट हो गए से उसनू विआह दे समागम दे विच पहुंचे, फिर उस तो बाद जिहड़ी ये बरात आई तो उसने जिहड़ा विआह दे समागम दे विच अरदास की, फिर उस तो बाद ये विआह दा समागम जिहड़ा पूरा होया, तो लड़की दी जिहड़ी डोली सी उहदे सोहरिआं घर तोरी गई।